देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने बुलियन में एक अच्छी खासी छलांग लगाते हुए देखा, जहां गोल्ड में 1% की तेजी जबकि चांदी में 5% की तेजी हमने बढ़ते हुए देखी है। जिस ढंग से हमने देखा इंटरनेशनल के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकली हमने देखा कि प्राइजेस शॉर्ट कवरिंग के चलते एक जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। इंटरनेशनल में भी गोल्ड 1820 डॉलर का लेवल तोड़कर 1840 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट हमने रुपए में मजबूती की वजह से थोड़ी तेजी कम दिखी है, बट फिजिकल मार्केट में भी तेजी का रुख काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी सोने और चांदी दोनों में तेजी का रुख रहेगा। टेक्निकली देखें तो 48,000 के ऊपर जब तक गोल्ड बना हुआ है, तब तक 48,550 का लेवल तोड़कर 48,900 तक का लेवल गोल्ड में हम देख सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पिछले पूरे हफ्ते में 5% की तेजी हमने आते हुए देखी और वॉल्यूम में भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस में तेजी का रुख ही बता रहा है। टाइमिंग थोड़ा पुलबैक अगर 64,000 तक का लेवल मिल जाता है तो वहां से बाइंग करके चला जा सकता है। 66,500 तक का भी लेवल हम तोड़ सकते हैं। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अपसाइड कैप जरूर दिखाई देता है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी मजबूत है जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए भी, और डॉलर में इतनी बड़ी कोई तेजी नहीं आई है जो सोने और चांदी पे दबाव ला सके, तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्रूड में 6500 का लेवल छूते हुए तो देखा, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। जिस ढंग से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हम आगे जाके सप्लाई बढ़ाएंगे, और साथ के अंदर नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा कि सप्लाई बढ़ाने की बातें हो रही, जिसके चलते नेचुरल गैस में तो 6% की गिरावट आई, बट क्रूड में अभी भी 1.5% की तेजी के साथ मार्केट खड़ा है। ओवरऑल अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि फरवरी से ओपेक मेंबर्स की सप्लाई बढ़ेगी, लीबिया कजाकिस्तान की सप्लाई बढ़ेगी, चाइना भी अपना सप्लाई बढ़ाने में है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में गिरावट मिल सकती है, जो डाउन साइड के अंदर 6100 से 6000 तक का लेवल दिखा दे। नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी, 306 के नीचे काउंटर वीक है, जो 270 तक का लेवल दिखा दे। अंत में अगर बेस मेटल की बात की जाए तो पूरे बेस मेटल में हमने निकल में 11% की तेजी बनते हुए दिखी है। जिस ढंग से हमने देखा ईवीज की डिमांड, लोअर इन्वेंट्रीज और कहीं ना कहीं सप्लाई में बाध्यता के चलते हमने पूरे बेस मेटल में तेजी देखी है। फंडामेंटल अभी भी तेजी के है। जिस ढंग से चाइना ने सारे एफर्ट्स लिए हैं कि इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाया जाए, इसी को देखते हुए कॉपर में 745 के करीब लेके चलिए 765 के टारगेट के लिए, जिंक में 296 तक लेके चलिए 306 के टारगेट के लिए। निकल में वॉलिटिलिटी रहेगी, बट हो सकता है आने वाले दिनों में 2000 के भी लेवल छू पाए। वहीं लेड और एल्यूमिनियम में भी दोनों में ही तेजी का रुख रहेगा। 245 के लिए एल्यूमिनियम लेके चलिए और 190 के टारगेट के लिए हम लेड को लेके चल सकते हैं। ओवरऑल अगला हफ्ता भी बेस मेटल के लिए तेजी का रहेगा। धन्यवाद। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।